डूब तो सभी रहे हैं, कुछ आफतज़दा सैलाब में, कुछ महंगाई के बहरान में, कुछ उधार के इस तालाब में, कुछ सियासत की गर्मा गर्मी के माहौल में, डूब तो सभी रहे हैं। खैर, इनसे मिलिए, ये हैं हमारे शामू मियाँ। नाम तो इनका एहतशाम है, मगर प्यार सब इनको शामू बुलाते हैं। हर वीकेंड ये तैयार होकर किसी की तलाश में निकलते हैं। इनकी कहानी कुछ अलग रंगीन मिजाज और किसी डूबती कश्ती से कम नहीं। आप देख ही नहीं चल सके थे, आप गाड़ी के साथ आते हैं। ये क्या किया आपने? जी वो आर्म। आर्म? कौन सा आर्म? फेफड़ों में आर्म फिट करवा लूंगा, अगली बार जब आप सामने आए बचा दूंगा ताकि टक्कर ना। ये मजाक था? सच था। वो कौन सा डॉक्टर है जो फेफड़ों में आर्म फिट करता है? मोची करता है। मोची आर्म फिट करता है? ये सी वो देगा, वायरिंग में खुद करना। चलो जब फेफड़ों में आर्म लगवा लो तो मुझे जरूर बताना। इस काम के लिए तो आपका नंबर चाहिए होगा। हेलो हेलो मिस्टर, हो गया अनफिट? मजाक कर रहा था वो, बाय द वे सॉरी टक्कर के लिए। हाँ हाँ, पता था मुझे, इसीलिए नंबर लिया था आपने। जी आप मुझे बहुत अच्छी लगी थी। वाह, एक टक्कर लगने से मैं आपको अच्छी भी लग गई, करते क्या हैं आप? पापा भी डॉक्टर हैं, इसलिए मैं भी मेडिकल कर रहा हूँ। दैट्स गुड। आप क्या करती हैं वैसे महंगी कार में घूमने के अलावा? मेरे पापा का बिजनेस है दुबई में और मैं उनकी इकलौती बेटी हूँ, जिस वजह से मुझे कुछ करना नहीं पड़ता। सो कल एक कप कॉफी का हो जाए? डन। ओके, कल मिलते हैं 4 बजे। उस्ताद, उस्ताद! आराम से बच्चे, कानों में पानी फंसा होता है नहाने के बाद। अबे उस्ताद, तुमने कब से नहाना शुरू कर दिया? तुम्हारी पहली बीवी भी तुम इसी वजह से छोड़ गई थी। अरे ऐसी बात नहीं है, मैंने छोड़ा था उसे। छोड़ो उस्ताद, मुझे सब पता है। अबे बस कर, तू मेरा लाडला ना होता ना, तुझे मैंने काम से कब का निकाल देना था। उस्ताद एक 10,000 रुपया दे, गाड़ी भी दे। और 1,000 रुपया ऊपर दे दे, और पता है उस्ताद आपकी भाभी से मिलने जाना है। जरा मेरे मुंह पे कुछ लिखा उस्ताद, लगता है नानी की वजह से मिट गया। ये ले, कोई पैसे शैसे नहीं है, पिछले हफ्ते तो 3,000 रुपये लेके गया था, साथ तो गाड़ी भी ठोक लाया है। उस्ताद तेरी सबका बीवी का तुझे वास्ता है, मैं शादी के बाद सारा उधार उतार दूंगा, मेरा ससुर आखिर दुबई में बिजनेसमैन है। चल ठीक है, गाड़ी ध्यान से चलाई और मुकाने वाली करी। उस्ताद 1,000 रुपया अलग से नहीं देता, गाड़ी में पेट्रोल भी डलवा। अबे जा, पेट्रोल भी डलवाना है, आने जाने वाली कर। उस्ताद गुस्सा ही कर गया।
बहुत अच्छी लग रही है आज। अरे वाह, तुम तो इतनी अच्छी गाड़ी धो लेते हो। ऐसे तो मैंने सोचा भी नहीं था, तुमने मुझे धोखे में रखा। अपनी औकात से ऊंची चीज के पीछे भागोगे तो इसका अपनी तरह तुम टुकड़े टुकड़े हो जाओगे। मैंने तो उससे सच्ची मोहब्बत की है। मोहब्बत? अरे पगले, मोहब्बत की पहली सीढ़ी होती है जबान। तुमने तो उससे बोला ही झूठा। उस्ताद अब तू तो मजाक ना बना। अगर मोहब्बत तेरी सच्ची है तो काल कर मना ले। मुझे पता है मैंने तुमसे झूठ बोला। झूठ? इसे झूठ नहीं, इसे धोखा कहते हैं। मैं तो ये सोच भी नहीं सकता, बस तुमसे अपने हालात छुपा रहा हूँ। अगर तुम गरीब थे भी तो इससे मुझे क्या फर्क पड़ना था? मुझे माफ कर दो, मैंने तुमसे अपने इसलिए छुपा। क्या पता तुम फिर से कोई झूठ बोलो या धोखा दो। मैं तुमसे कभी झूठ नहीं बोलूंगा और मेरे ये आंसू भी झूठे नहीं। रिश्ते के लिए अपने अब्बा को मेरे घर भेज देना। भाई हमारे शामू मियाँ की शादी तो बहुत अच्छे से होगी। शामू मियाँ बहुत खुश हैं। और क्यों ना हो, सुसर ने इकलौते दामाद के नाम अपना बिजनेस जो कर दिया है। आओ उस्ताद, आओ। कैसे आना हुआ? किसी ने कहा था शादी के बाद सारा कर्ज उतार दूंगा। अगर कर्ज नहीं उतार सकते तो सुसर के कारोबार में कोई शेयर ही डलवा दो।